हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे आटे और आलू का नाश्ता। इसे एक बार बनाकर खिलाइए, बच्चों से लेकर बड़े तक इसे बहुत ही पसंद से खाएंगे और हर कोई आपकी तारीफ ज़रूर करेगा। और आपको ये वीडियो दिख रहा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, इससे नए नए वीडियोज़ आप देख पाएंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कटोरी जितना आटा लिया है और आधा कटोरी हमें यहाँ पर मैदे का आटा लेना है। अब मैंने यहाँ पर आधा चम्मच अजवाइन डाला है और आधा चम्मच नमक डालना है। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून गरम ऑयल को डालते हुए इसे अच्छे से एक बार मिक्स करना है चम्मच से। अब मैंने इसे हाथों से एक बार अच्छे से मिक्स किया है। आप देख सकते इसकी मुट्ठी अच्छे से बन रही थी। अब हमें यहाँ पर इसे थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इस आटे को अच्छे से गूंद कर लेना है। अब मैंने इसे थोड़ा सा ऑयल डालते हुए फिर से 1 से 2 मिनट तक अच्छे से इसे गूंद कर लिया है। ये देखिए, अब हमें इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब हमें यहाँ पर एक मसाला कूट कर लेना है। इसके लिए 1 चम्मच धनिया डालना है, 1 चम्मच जीरा डालना है और 1 चम्मच सौंफ को डालते हुए इसे अच्छे से कूट कर लेना है। अब हम यहाँ पर एक कढ़ाई लेनी है, इसमें मैंने यहाँ पर 4 टेबलस्पून ऑयल डाला है और आधा चम्मच सरसों डालना है, 1 चम्मच लहसुन को कूट कर डाला है और 4 हरी मिर्च को डालना है, 3 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने लंबे लंबे साइज़ में काट कर इसे अच्छे से फ्राई करके लेना है। ये देखिए, जब तक इस प्याज का थोड़ा कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक हमें इसे अच्छे से फ्राई करके लेना है। ये देखिए, इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज होने लगा है। अब हमें यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी डालनी है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालना है और आधा चम्मच नमक डालना है, 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा डालिए। और यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिक्स करके लिया है। अब हमने जो मसाला कूट कर लिया था धनिया और जीरे का, इसे डालते हुए अच्छे से एक बार मिक्स करना है। अब मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच गरम मसाला डालना है, 1/2 चम्मच चाट मसाला डालना है। अब हमें यहाँ पर 2 टेबलस्पून बेसन का आटा डालना है और इसे फिर से एक बार अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए, इस तरह से जब तक ये नीचे से ऑयल नहीं छोड़ेगा तब तक हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब मैंने यहाँ पर 3 बॉईल किए हुए आलू लिए, इसे अच्छे से हमें मैश करना है हाथों से। आप चाहे तो इसे मैशर से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर हाथों से ही इसे कद्दूकस करके लिया है। अब हमें यहाँ पर इसे एक बार अच्छे से मिक्स करके लेना है और हमें यहाँ पर ऊपर से 1/2 कटोरी हरी धनिया के पत्ते को डालना है। आप जितना ज़्यादा यहाँ पर हरी धनिया के पत्ते को डालेंगे उतना ही ये सब्ज़ी जो अंदर का स्टफिंग होता है वो उतना ही अच्छा बनेगा। ये देखिए, अब हमें यहाँ पर इसे नॉर्मल होने के लिए छोड़ देंगे। अब हमें यहाँ पर जो आटा गूंद कर रखा था, इस आटे को हमें फिर से 1 से 2 मिनट तक गूंद कर लेना है। अब हमें यहाँ पर इसके 2 मीडियम साइज़ की लोइयां बनाकर इसे जैसे रोटियां बेलते उसी तरह हमें इसे अच्छे से बेल कर लेना है। ये देखिए, आप इसे बेलते समय ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है और ज़्यादा छोटा साइज़ का भी नहीं बनाना है। अब हमें यहाँ पर एक कटोरी की सहायता से इस तरह से छोटे छोटे रोटियां बना कर लेनी है। ये देखिए कितने अच्छे से ये बन कर रेडी हो चुका है। अब हमें यहाँ पर इसके अंदर स्टफिंग को भरना है। 1 चम्मच के सहायता से आप एक मेजरमेंट में इस स्टफिंग को अच्छे से भरिए। ये देखिए, अब मैंने सारे रोटियों में इस स्टफिंग को अच्छे से भर कर लिया है। इसी तरह आप सारे रोटियों में स्टफिंग को अच्छे से भर कर लेना है। अब हमें यहाँ पर इसके साइड में यानी कि रोटी के किनारों पर हमें यहाँ पर पानी लगाना है। इस तरह से पानी लगाने से ये अच्छे से चिपकेगा। अब हमें इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए इसे आप मैगी के चम्मच से भी डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसे
हाथों से ही अच्छे से प्रेस करते हुए इस तरीके से मैंने इसे एक डिज़ाइन दे दिया है। आप भी इसी तरह इसे अच्छे से दबाते हुए इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं, या आप मैगी की चम्मच से भी इसे डिज़ाइन दे सकते हैं, या ऐसे ही भी आप सिंपली छोड़ सकते हैं। अब मैंने एक कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रखा था, ये ऑयल अब अच्छे से गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर एक एक करते हुए इस ऑयल में छोड़ना है और गैस को हाई फ्लेम पे रखते हुए इसे दोनों साइड से अच्छे से फ्राई करके लेना है। ये देखिए इसका कलर चेंज होने लगा है, यानी कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन जब तक नहीं हो जाता तब तक हमें इसे अच्छे से फ्राई करके लेना है। इसी तरह सारे नाश्ते को मैंने अच्छे से फ्राई करके निकाला है, आप देख सकते कितने अच्छे से ये फ्राई होकर निकले है। और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है और उतना ही टेस्टी भी बनता है। अगर आपके घर में बच्चे खाने के लिए ज़िद करते हो तो इस तरीके से नाश्ता बना कर देंगे तो बहुत ही पसंद से इसे खाएंगे। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।